नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पढ़े लिखे हम नहीं है, अनपढ़ हैं, तो क्या हम दुबई जॉब करने के लिए जा सकते हैं? तो इसके ऊपर हम पूरा बात करने वाले हैं। तो हाँ, जा सकते हो आप दुबई अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो। तो कौन कौन सी जॉब के लिए जा सकते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो आप पूरा देखना, हो सकता है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम के लिए जो है एजुकेशन बहुत ही ज्यादा महत्व ना करता हो और उसमें कंपनी आपको वहां पर जॉब करने के लिए बुला ले। तो ये वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आपको आइडिया लग सके और ये 2024 का अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या अनपढ़ लोग जा सकते हैं। तो जी हाँ, जा सकते हैं। आपके पास, आपने बहुत ज्यादा एजुकेशन हायर नहीं करा है, फिर भी आप दुबई काम करने के लिए जा सकते हो, जैसे कि पहले लोग जाते थे। अब कौन कौन से काम के लिए जा सकते हैं, देखो जितने भी लेबर कैटेगरी के लोग होते हैं उन सारे कामों में आप जा सकते हैं दुबई जॉब करने के लिए। जैसे मैं स्टार्टिंग करूंगा, सारे जॉब का आपको नाम बताऊंगा, जैसे जो वहां पर जो है बकरी पालन भी करते हैं लोग, वहां पर ऊंट पालन भी करते हैं लोग, उसकी देखभाल के लिए जाना होता है, वहां पर केयर टेकर की भी आवश्यकता होती है, केयर टेकर जो घर की देखभाल करता है, वहां पर ड्राइवर की भी आवश्यकता होती है जो ड्राइवरी करता है, वहां पर जो है टाइल्स वर्कर की भी आवश्यकता होती है, वहां पर पेंटर की भी आवश्यकता होती है, वहां पर मैशन की भी जरूरत होती है जो घर की जुड़ैया कराते हैं, वहां पर मिस्त्री की भी जरूरत होती है, वहां पर मैनेजर की जरूरत होती है साइट को संभालने के लिए, वहां पर सुपरवाइजर की भी जरूरत होती है। तो ये कुछ जॉब की कैटेगरी है जहां पर कोई एजुकेशन मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास ये सारे कामों में अगर एक्सपीरियंस है तो आप जा सकते हो। इसमें जो है और भी प्लम्बर वाला काम है, इसमें इलेक्ट्रिशियन वाला भी काम है, इसमें कई सारी और कैटेगरी के काम है जिसमें कोई भी क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। देखो इस वीडियो में लंबा नहीं खींच रहा हूं, मैं जो भी है टॉपिक सब कुछ क्लियर आपको कर देता हूं। ये जो भी मैंने आपको कैटेगरी जॉब की बताई है, ये सारी जॉब की कैटेगरी में जो है आपका एजुकेशन मैटर नहीं करता है। आप बस इंडिया से पासपोर्ट बनवा लो, चाहे ECR कैटेगरी का बने, चाहे ECNR कैटेगरी का बने, चाहे आपने 10वीं पास करा है, चाहे आपने 10वीं पास नहीं करा है, एजुकेशन मैटर नहीं करता है। आपका पासपोर्ट बन जाएगा इंडिया में, क्योंकि हर किसी का पासपोर्ट बन सकता है अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो। तो आप यहाँ सबसे पहले पासपोर्ट बनवाओ। अगर आपके जो है आस पास पड़ोस में लोग रहते हों दुबई में, तो उनसे आप बोलो, वो आपको वहाँ पर जॉब लगवा देंगे कंपनी में बात करके, या तो किसी अच्छी एजेंट को पकड़ो। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, हम लोग कोई एजेंट नहीं है, हम बस आपको सारी जानकारी देते हैं, ठीक है? ऑथेंटिक जो भी जानकारी रहती है, तो आपको एजेंट खुद से फाइंड आउट करना होगा जो आपको वहां पर भेज सके। तो एजेंट पकड़ो, और एजेंट जो भी चार्ज कर रहा है अगर आपको सुटेबल लग रहा है तो ठीक, उसके साथ जाओ, नहीं तो दूसरा एजेंट पकड़ो। अगर जहां भी आपको चार्ज आपके हिसाब से मिल जाए तो आप वहां पर चले जाओ दुबई और आराम से जाके काम करो, क्योंकि जो वहां की कंपनियां जो है ना वो हायर करती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि उनकी कंपनी में एजुकेटेड बंदे की आवश्यकता है या फिर जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो भी चलेंगे, ठीक है? और जो मैंने काम बताया आपको, इसमें कोई एजुकेशन मैटर नहीं करता है, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका मैटर नहीं करता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की पढ़ाई करी है या फिर बहुत ही कम लेवल की पढ़ाई करी है। अब देखो कहाँ पर एजुकेशन मैटर करता है, अगर आप अनपढ़ नहीं हो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो कहाँ एजुकेशन लगता है? जैसे कि मैंने इसमें बताया था, साइट मैनेजर में आवश्यकता पड़ सकती है, आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आवश्यकता पड़ सकती है, अगर आप एक अच्छी पोस्ट पर काम करने के लिए जा रहे हो, आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जा रहे हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा रहे हो, किसी भी फील्ड में ऐसी कैटेगरी में कुछ जा रहे हो, आप मास मीडिया कम्युनिकेशन में जा रहे हो, सोशल मीडिया के लिए आप जा रहे हो, तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरी हैं जहां पर आप काम करने के लिए जा रहे हो, तो इस कंडीशन में आपका क्वालिफिकेशन चेक करा जाता है। बाकी जो लेबर कैटेगरी का होता है उसमें आपका कोई भी क्वालिफिकेशन चेक नहीं करा जाता। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।